हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हिम ऑनलाइन स्टडी पर। दोस्तों, आज एक नए वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। ये वीडियो है हिमाचल प्रदेश पटवारी की कट ऑफ के ऊपर बेस्ड है। दोस्तों, तो आज हम वीडियो में देखेंगे कि जो एचपी पटवारी का एग्ज़ाम 17 नवंबर 2019 को हुआ है, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, तो हम सभी कैटेगरीज के बारे में जो है डिस्कस करेंगे कि कौन सी कैटेगरी की कितनी कट ऑफ रहेगी और इस एग्ज़ाम का जो है कितना गुड अटेम्प्ट रहा हो। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जानने के लिए जो है आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एचपी पटवारी एग्ज़ाम के बारे में पहले तो काफ़ी सारी र्यूमर्स आ रही हैं कि ये एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा। तो ये जो गवर्नमेंट ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये एग्ज़ाम जो है कैंसिल नहीं होने वाला है, तो ये हमारे जो सीएम हैं उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। तो दोस्तों, उसके बाद डिपार्टमेंट ने अपनी गलतियां भी मान ली थी कि हमसे जो है 3 क्वेश्चन में जो है गलतियां हुई हैं, तो उन्होंने जो है 3 क्वेश्चन को जो है स्क्रैप कर दिया है। अब जो है एग्ज़ाम ओनली 97 मार्क्स का रह गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि ये 97 का रहा है या 100 का होगा, ये अभी डिपार्टमेंट के ऊपर ही डिपेंड है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा और इस एग्ज़ाम के लिए जो है गुड अटेम्प्ट क्या रहेगा। तो दोस्तों, हमने जो ये सारे जो आंकड़े लिए हैं ये हम बच्चों से डिस्कस करके लिए हुए हैं। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों क्या बोला हुआ है कि लेवल कैसा रहेगा। तो देखिए, इंग्लिश का जो लेवल था इजी टू मॉडरेट रहा है, 14 से 18 तक रहेगा। हिंदी जो थी मॉडरेट थी थोड़ी। आप सभी जानते हैं कि JBT का पूरा पेपर जो था कॉपी पेस्ट कर दिया था। तो हिंदी का जो गुड अटेम्प्ट रहेगा 15 से 19 के बीच में रहेगा। और आगे आती है बात जीके की, तो जीके जो था इजी था, इसका 21 से 23 तक गुड अटेम्प्ट रहेगा। और मैथ तो जो था ये भी काफ़ी इजी डाला हुआ था, तो इसका भी गुड अटेम्प्ट जो है 20 से 22 रहेगा। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दूँ, ये आप सभी ध्यान रखना। जिस कैंडिडेट का 15 से 19 के बीच में गुड अटेम्प्ट रहा होगा सभी सेक्शन में, वो ही कैंडिडेट जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, अब कई बार क्या हुआ है, मैंने बहुत सारे कैंडिडेट का देखा कि 2 सेक्शन में जो है उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया हुआ और 2 में उनका जो है स्कोर काफ़ी लो रह गया है। तो दोस्तों, इस स्कोर को पूरा इक्वेट करने के लिए जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि किसी कैंडिडेट के 19 मार्क्स हैं एक सब्जेक्ट में, एवरेज बना देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 76। तो 76 या 80 तक जो है गुड अटेम्प्ट रहेगा। अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी हर कैटेगरी की। तो देखिए दोस्तों, हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है, ये कोई ऑफिशियल नहीं है। मैं पहले बता दूं, और जब भी आप कमेंट सेक्शन में जाके करें तो उसमें 1-2 मार्क्स का जो थोड़ा है वेरिएशन रह सकता है। तो देखिए दोस्तों, पहले बात करें हम जनरल कैटेगरी की, तो जनरल का जो गुड अटेम्प्ट है वो 82 से 85 तक रहा है और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी वो 80 रहेगी। आगे बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी का गुड अटेम्प्ट जो है 75 से 80 तक है और कट ऑफ जो है मिनिमम 75 तक रहेगी। आगे ओबीसी आईआरडीपी और बीपीएल, ये 65 टू 70 गुड अटेम्प्ट रहेगा। ठीक है, तो और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है 70 तक रहेगी। अगला है ओबीसी एक्स सर्विसमैन, तो इनका 62 तक जो है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम एससी यूआर की, तो एस सी यू आर में जो है 72 से 75 तक जो है गुड अटेम्प्ट रहेगा, तो अटेम्प्ट कट ऑफ जो है मिनिमम 70 तक जाने की संभावना है। नेक्स्ट है एस सी आई आर डी पी और बी पी एल, 66 से 62 जो है गुड अटेम्प्ट रहेगा और इसकी जो कट ऑफ जाने की संभावना है 67 से 68 तक। लास्ट बचती है एस टी की, तो एस टी की 70 से 75 तक गुड अटेम्प्ट रहेगा और इसकी कट ऑफ 70 तक रहेगी। तो दोस्तों, ये हमने आपको जो है पूरी ही जानकारी प्रोवाइड कर दी। ये जितने भी आंकड़े हमने आपको बताए हैं ये हमने काफ़ी स्टूडेंट से डिस्कस किया, उसके बाद हमने ये जो है आपके लिए कट ऑफ लेके आए हैं। तो दोस्तों, इसमें मैंने पहले ही बता दिया आपको 2-3 मार्क्स का वेरिएशन इस चीज़ में रह सकता है। ठीक है, तो अब क्या रिजल्ट आएगा, कैसा रहेगा आपका, हम यही कामना करते हैं कि आप सभी का जो है एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और आप जो है पटवारी जल्द से जल्द बन जाए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। अगर किसी बच्चे को कट ऑफ से लेकर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताएं।
तो आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।